एक फिसलती ढलान लगती हो। देखिए मैं आपको पहले बता दूं कि मैं बहुत छोटी मोटी शायरी करने वाला हूं और उसको समझने के चक्कर में नहीं पढ़ना है आपको। इधर शेर पूरा हुआ, उधर हंस दीजिए और क्या। एक फिसलती ढलान लगती हो तुम तो रेखा समान लगती है। एक फिर हाँ ले लो भाई, और फोटो रंगीन आना चाहिए। एक फिसलती ढलान लगती हो तुम तो रेखा समान लगती हो, और लाली पाउडर की चूड़ी गजरे की चलती फिरती दुकान लगती हो। लाली पाउडर की चूड़ी गजरे की चलती फिरती दुकान लगती हो, और जब मोहब्बत से पेश आती हो फिर बनारस का पान लगती हो। जब मोहब्बत से पेश आती हो फिर बनारस का पान लगती हो, और जब भी मेकअप उतार लेती हो एक पुराना मकान लगती हो। जब भी मेकअप उतार लेती हो एक पुराना मकान लगती हो, और घर में क्रिकेट की टीम है फिर भी आज भी तुम जवान लगती हो। घर में क्रिकेट की टीम है फिर भी आज भी तुम जवान लगती हो। और ये शेर जाया ना हो, आखिरी आदमी तक मैं चाहता हूं इसमें शरीक हो जाए कि जिसको देखो तुम्हारा आशिक है, जिसको देखो तुम्हारा आशिक है, जिसको देखो तुम्हारा आशिक है। तुम तो उर्दू जबान लगती हो, जिसको देखो तुम्हारा आशिक है, तुम तो उर्दू जुबान लगती हो। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। देखिए एक लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि गोरे लोग खूबसूरत होते हैं। हाँ, अब जो ब्लैक ब्यूटी जानता वही जानता है ना। नहीं, हम तो पूरी डिफेंस कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हर आदमी अपना डिफेंस जानता है। आइए एक मतलब दो शेर ये होगा। हद से ज्यादा ही कुछ दिल लगी हो गई। मैंने पहले गुजारिश कर दी है कि आप लोग समझने के चक्कर में ना रहें। हाँ भाई, हद से ज्यादा ही कुछ दिल लगी हो गई, मेरी खटिया बिछी थी खड़ी हो गई, खाट मेरी बिछी थी खड़ी हो गई। फिर एक शेर आ रहा है और फिर उसको मैं समझने के चक्कर में ना पड़े कि मैं तो खुश था चलो सर्जरी हो गई, मैं तो खुश था चलो सर्जरी हो गई, क्या खबर थी कि वो आदमी हो गई, क्या खबर थी कि वो आदमी हो गई। और दाल आटे का जो भाव पूछा मिया, दाल आटे का जो भाव पूछा मिया, सुन के आउट मेरी खोपड़ी हो गई, सुन के आउट मेरी खोपड़ी हो गई। और है बहु सास दोनों के लब पर यही, है बहु सास दोनों के लब पर यही, शेरनी थी कभी लोमड़ी हो गई, शेरनी थी कभी लोमड़ी हो गई। आइए एक मतलब देखिए, आजकल जो है ये आज कंप्यूटर एज के बच्चे हैं, बहुत बहुत फास्ट हैं, हर बात में बहुत फास्ट है साहब। मेरे अपने भी जाती बच्चे हैं, देखिए ये भी हंसने की बात है, नहीं आप यकीन कर रहे हैं। वो मेरा एक छोटा बच्चा है, मैं किसी से मुलाकात होती है, कहते हैं ये शायर है, तो लोग भरोसा ही नहीं करते, इतने छोटे छोटे शायर होते हैं क्या। तो मैं सोच रहा था, सिंगल बार कर रहा था, लटक रहा था, चाहता हूं कि थोड़ा हाइट मेरा बढ़ जाए, तो मैं कर रहा था, मेरा छोटा बच्चा चला है, बोले पापा क्या कर रहे हैं। मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ बेटा मेरी हाइट बढ़ जाए। बोले पापा आप ऑलरेडी लंबे हो रहे हैं। बोला अच्छा, आपको कैसे समझ में आया। बोले देखिए ना, आपका सर बालों के बाहर आ गया है, फिर आप लोग समझने के चक्कर में पड़ गए। आइए मैं एक मतलब पढ़ रहा हूं, वो पुलिस के लिए है मगर इंडियन पुलिस के लिए है ही नहीं। पहले पुलिस को बखबर करना, पहले
पुलिस को बखबर करना, जुर्म फिर चाहे रात भर करना, और बाल झड़ने लगे सनम मेरे, बाल झड़ने लगे सनम मेरे, हौले हौले इधर उधर करना, हौले हौले इधर उधर करना, और तुझको रंगत पसंद है मेरी, तुझको रंगत पसंद है मेरी, मुझको तेरा पटर पटर करना, मुझको तेरा पटर पटर करना। बहुत शुक्रिया।